अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद रैनीस किचन। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेब का मुरब्बा बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसानी से आप इस मुरब्बा को घर में बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे ये मीडियम साइज़ के सेब, और आप चाहें आप बड़े सेब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे ही साबुत मुरब्बा बनाऊंगी और इसे कट नहीं करूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के सेब का यूज़ किया है। अब मैं इसे पील कर लूंगी और पील करने में आपको अच्छे से इसमें जितना भी पील है उसे हटा देना है, और भी जो भी चीज़ें रहती हैं स्टेम वगैरह सीड्स वगैरह उन्हें हटा देना है, क्योंकि जितने प्रॉपरली आप इसे क्लीन करोगे उतना ही ज़्यादा टाइम तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक शार्प नाइफ की हेल्प से इस तरह से इसके स्टेम्स वगैरह सब हटा दूँगी और बिल्कुल क्लीन सेब हम पील किया हुआ यूज़ करेंगे। गाइस, इस वक्त हमारे यहाँ मार्केट में बिल्कुल फ्रेश सेब आ रहे हैं, और इस वजह से मैं यहाँ पर मुरब्बा बना रही हूँ, क्योंकि इन ताज़े सेब से मुरब्बा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो आप भी सेब का मुरब्बा ज़रूर खाया करें, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे आपको बहुत जल्दी टूथ डिके की प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब आपके दांत बहुत जल्दी नहीं गिरेंगे, और ये टूथ्स को स्ट्रॉन्गर भी बनाता है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है हर तरह की बोन डिजीज़ से, और इससे और ज़्यादा सलाइवा मुँह में प्रोड्यूस होता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने सभी सेब ऐसे पील करके रख लिए हैं, और बहुत जल्दी जल्दी मैंने इसे पील किया है जिससे ये फ्रेश रहें और इनका कलर चेंज ना हो। तो अब हम इन्हें आगे के प्रोसेस में लेके चलते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम सेब को हल्का सा सॉफ्ट करने के लिए स्टीम करेंगे, और यहाँ पर मैंने बहुत कम पानी लिया है इन्हें सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी में सेब को डाल देंगे तो जितने भी बेनिफिट्स हैं सेब के वो सारे पानी में चले जाएँगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बस हाफ कप पानी लिया है, इतना कि अच्छे से स्टीम बने और इसके बाद हमारे सेब जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के इसे लो फ्लेम पर धीमे धीमे से स्टीम के साथ पकने देंगे, और यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। एक साइड से ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो एक स्पैचुला की हेल्प से हम इन्हें टर्न कर देंगे जिससे कि दूसरी साइड से भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, और इसके बाद हम इसे दोबारा से कवर कर देंगे फिर से तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, या जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे छोड़ देना है जिससे कि धीमे धीमे से स्टीम इसमें बने और इसके बाद ये अच्छे से कुक होते रहें। तो इस तरह से मैंने सभी अच्छे से फ्लिप कर दिए हैं, और पीछे वाला साइड आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका कुक हो चुका है, और बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है, एक स्वीट स्वीट सी स्मेल यहाँ पर आ रही है। तो अब मैं इसे दोबारा से कवर कर दूँगी और मिलती हूँ आपसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद। तो चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। बहुत अच्छे से इसमें बॉईल आ रहा है, और ये सभी सेब बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक स्पैचुला की हेल्प से, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं ये। ये देख सकते हैं आप, मैं जब इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये बहुत सॉफ्ट फील कर रहा है, और बस इसी तरह का ये हमें चाहिए था। तो यहाँ पर अब मैंने लिया है 1 कप चीनी, और इस चीनी को मैंने डायरेक्टली सेब में ऐड कर दिया है, और इस तरह से हम इसे छोड़ देंगे जिससे कि ये मेल्ट हो जाए। दोबारा से हम इसे कवर कर देंगे और तब खोलेंगे जब चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी होगी। तो यहाँ पर चीनी मेल्ट हो चुकी है तकरीबन 5 से 6 मिनट में, और आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा बॉईल भी आ रहा है साथ में ही, और सेब का भी कलर चेंज हो गया है। तो बस बहुत अच्छे से ये हमारा मुरब्बा बन रहा है। इस स्टेज पर आप इसमें रोज़ एसेंस डाल सकते हैं, और इसके साथ में ही यहाँ पर मैंने ऐड किया है इसमें 1/2 लेमन का जूस। अगर रोज़ एसेंस नहीं है आपके पास तो फिर आप इसमें केवड़ा या इत्र कुछ भी डाल सकते हैं हल्की सी एक फ्रेशनेस के लिए। और बस इसी तरह से हम इसे कुक करेंगे जब तक कि ये जो हमारा शीरा है ये एक तार का ना हो जाए, या सेब हमें हल्के से क्रिस्टलाइज्ड ना दिखने लगे। हल्का सा हमें इस शुगर सिरप को सेब के साथ में थोड़ा सा थिक कर लेना है जिससे कि ये अच्छे से स्टोर रहे हमारे पास। तो अभी मैं इसे फिर से तकरीबन 8 से 9 मिनट तक के पकाऊंगी। गाइस, यहाँ पर आप चाहें आप इसे कवर करके भी कुक कर सकते हैं, और चाहें तो ऐसे ओपन ही इसे पकने दें।
और आप देख सकते हैं शीरा धीरे धीरे से थिक होने लगेगा, लेकिन अभी बहुत अच्छे से थिक नहीं हुआ है। अभी हम इसे लो फ्लेम पर इसी तरह से साथ में कुक होने देंगे एप्पल्स के, जैसे कि बिल्कुल मार्केट जैसा कैरेमलाइज क्रिस्टलाइज सा मुरब्बा हमारा घर में ही रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर भी कर दूँगी। मैंने इसे 3 मिनट तकरीबन खोल कर पकाया है, इसके बाद मैंने इसे कवर कर दिया था और 3 से 4 मिनट के बाद खोल कर देखा है। तो ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप, कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है यहाँ पर और सेब भी बहुत अच्छी से जूसी हो चुके हैं। जब मैं इसे उठा रही हूँ तो स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा फील आ रहा है इसमें, तो बहुत अच्छे से सेब ने अब्सॉर्ब किया है सारा शुगर सिरप और बिल्कुल स्पॉन्जी से हो गए हैं। जब हम इसे प्रेस करेंगे तो इट फील्स लाइक कि यहाँ से शीरा गिरेगा, तो शीरा भी बहुत अच्छे से थिक हो गया है। अब बस मैं इसे कवर कर दूंगी और फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद आपको इसे ओवरनाइट छोड़ देना है, आपको उसका कवर भी नहीं हटाना है और ओवरनाइट इसे छोड़ देना है तकरीबन 6 से 7 घंटे तक के, आपको इसे यूं ही छोड़ देना है जिससे कि और अच्छे से जो शीरा इसके अंदर है वो स्टोर हो जाए और बिल्कुल मार्केट जैसा मुरब्बा हमारा रेडी हो। तो अब मैंने रात में इसे बनाया था और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो आप देख सकते हैं ये मुरब्बा बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने बनाया है, थोड़े थोड़े सेब का आप मुरब्बा बना सकते हैं, वीकली आप फिर से इसे बना लें और जब ख़त्म हो जाए तब दोबारा बनाएं, या स्टोर करके रखना चाहें तो एक बार में आप बहुत सारा मुरब्बा बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। ईज़िली आप इसे 6 से 7 महीने तक बहुत आराम से स्टोर कर सकते हैं और रेफ्रिजरेट करेंगे तो और भी आसानी से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो बाकी का शीरा और इसे टेम्पटिंग दिखने के लिए पोर कर देंगे और बहुत ही टेस्टी सा ये सेब का मुरब्बा हमारा रेडी है। गाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, क्लिक द बेल आइकन। और इसी तरह की न्यू सी वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें और मुझे दुआ में याद रखें। मेरी आज की रेसिपी में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो।